Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding this chapter, you can ask me. We completed this chapter yesterday. किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं अभी. मैम, यस, पेज नंबर 247 पे ये 8.3 टॉपिक है ना, बियॉन्ड द सेंटर एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ये इसके स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ. Writers of chronicles list many high-sounding titles assumed by the Mughal emperors. जो इतिहास लिखने वाले थे, उन्होंने बहुत भारी शब्दों का प्रयोग करते हुए मुगल emperors के titles दिए हैं, ठीक है? यानी उनके नाम के आगे और titles देना, यानी कि और कुछ add कर देना, अच्छे शब्द. These included general titles such as Shahenshah, Kings of King. अब इन titles के अंदर जो आपको normally आपको जनरली सुनने को मिलेंगे वो है पहला तो शहंशाह, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा. और स्पेसिफिक टाइटल्स अस्यूम्ड बाय इंडिविजुअल किंग्स अपॉन असेंडिंग द थ्रोन. कुछ ऐसे भी आपको टाइटल्स सुनने को मिलेंगे जो इंडिविजुअल राजा लोगों को दिए जाते थे जब वो थ्रोन यानी कि सिंहासन पर बैठते थे. जैसे सच एज जहांगीर, वर्ल्ड सीजर. जहांगीर का मतलब होता है दुनिया को जिसने कंट्रोल कर रखा हो. फिर शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का राजा. इस तरह के टाइटल्स आपको मिलेंगे सुनने को. द क्रॉनिकलर्स ऑफन ड्रू ऑन दीज टाइटल्स एंड देयर मीनिंग्स टू रिटेरिएट द क्लेम्स ऑफ द मुगल एम्परर टू अनकंटेस्टेड टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल. अब क्रॉनिकलर्स यानी इतिहासकार जो हुआ करते थे उस समय के, वो इस तरह के टाइटल्स इसलिए देते थे, वो बताना चाहते थे कि मुगल एम्परर्स जो है उनको उनका हक पूरी दुनिया पर है, पॉलिटिकली भी है और फिजिकली भी है. फिजिकली एज इन टेरिटोरियल फॉर्म में भी है. राजा है तो दुनिया के राजा है इस तरीके से. येट द सेम कंटेम्पररी हिस्ट्रीज प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स. आप उसी तरीके से हिस्ट्रीज के अंदर कई सारे आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो आपको बताएगी कि दोनों के बीच में किस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन रहते थे दो देशों के बीच में, ठीक है, या क्या लड़ाइयां रहती थी उनकी. उस तरह की चीज को भी है आपको हिस्ट्री के अंदर कई चीजें इस तरह के एविडेंस मिलेंगे जिससे आपको ये चीज पता पड़े. दीज रिफ्लेक्ट सम टेंशन एंड पॉलिटिकल राइवलरी अराइजिंग फ्रॉम कम्पीटिंग रीजनल इंटरेस्ट. अब इस तरह की चीजें जो होती है वो आपको बताती है कि किस तरीके से टेंशन क्रिएट हो रही थी. राजनीतिक तौर पर टेंशन किस तरह से क्रिएट हो रही थी जो वहां पर जिस रीजन के जिस एरिया के वहां पर लोग हैं उनके बीच आपस में क्या कंफ्लिक्ट चल रहा था, वो सब आपको जानने को मिलेगा. यही टॉपिक पूछा था ना आपने? यस मैम. और ये 8.3 है ना, इसके पीछे वाला पेज. अच्छा, से टू. ओके, 247. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके, नो प्रॉब्लम. 8.3 बियॉन्ड द सेंटर. मैम वो भी समझना. अच्छा बेटा, ठीक है. अब बियॉन्ड द सेंटर एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब सेंटर के आगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसपे क्या था. अब यहाँ पर इनकी पोस्ट किस तरह से डिवाइडेड थी वो जानेंगे, किस तरीके से इनके एरियाज डिवाइडेड थे. अब जैसे अपने नॉर्मली अपने पहले स्टेट है, फिर स्टेट के अंदर सिटीज है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से होता है. इनके यहाँ पे भी इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था. द डिविजन ऑफ फंक्शंस एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर वॉज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस where the ministers had their corresponding subordinates. अब यहाँ पर इनका जो division था, काम किस तरीके से करवाने हैं और किस तरीके से distribute किए जाएंगे, ठीक है, वो बता रहे हैं. center से क्या काम. अब ऐसा तो है नहीं कि एक ऊपर prime minister बना दिया तो वो सब जगह जा जा करके काम करेगा. उसके नीचे भी ministers होते हैं, ministers के under भी लोग काम करते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पर क्या जो प्रांत होते हैं ना, शब्द हिंदी का प्रांत है, ठीक है, जिसमें पूरी कंट्री को कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, छोटे छोटे एम्पायर के अंदर, सॉरी एक एम्पायर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. तो जो उनके प्रांत होते थे उसको बोलते थे सूबास, ठीक है.
जहाँ पर मिनिस्टर्स होते थे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सबॉर्डिनेट्स यानी उनकी और सहायक काम करने वाले, जो सहायक काम करने वाले थे उनको बोलते थे दीवान और बख्शी और सदर। अब हेड जो होता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि सूबे का हेड जो होता था वो कहलाता था सूबेदार यानी गवर्नर, ठीक है, जो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट देता था, एम्परर को देता था। अब द सरकार इनटू व्हिच ईच सूबा वाज डिवाइडेड, अब वो सरकार जिसके अंदर हर सूबा डिवाइडेड होता था ऑफन ओवरलैप्ड विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फौजदार हु वर डिप्लॉयड विद कॉन्टिजेंट्स एंड ऑफ हेवी कैवलरी एंड मस्कीटियर एंड डिस्ट्रिक्ट। अब क्या होता था, देखो ये हो गया सूबा, सूबे को चलाने वाला हो गया सूबेदार, ठीक है। उसके बाद में इसके अंडर सूबेदार के अंदर तीन लोग काम करते थे, कौन काम करते थे, दीवान, फिर बख्शी, देन सदर, ये इसके अंदर काम करते थे। अब ये तीनों काम करते थे, ये एक तरीके से क्या हो गया, गवर्नर हो गया। अब ये कई बार क्या होता था, गवर्नर जो रूल करेगा वो तो आएगा ही, सूबा सूबे के ऊपर इसका हुक्म तो चलना ही है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता था, इसके ऊपर एक और ज्यूरिसडिक्शन लग जाता था, किसका, फौजदार का, ठीक है। फौजदार भी जो है यानी कि ये सूबेदार जो है वो भी इस पर गवर्न करेगा और इसके ऊपर फौजदार जो है वो भी, इसका भी ज्यूरिसडिक्शन लगेगा। अब फौजदार जो होता था उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उसके पास में बहुत अच्छी कैवलरी होती थी और मस्केटियर्स होते थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी वो बहुत ज्यादा वेपन्स उसके पास में ज्यादा होते थे, ठीक है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर द लेवल ऑफ परगना सब डिस्ट्रिक्ट बाय 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स, कानुंगो कीपर ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड, चौधरी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड द काजी। अब ये तो कहानी खत्म हो गई यहाँ पर इसकी, ठीक है। सूबा कौन है, सूबेदार कौन है, गवर्नर सूबेदार को बोला जा रहा है, इसके नीचे तीन लोग काम कर रहे हैं। अब इसी सूबे के ऊपर, इसी एरिया के ऊपर दूसरे ज्यूरिसडिक्शन भी लग रहा है, दूसरे का भी कंट्रोल आ रहा है, वो है फौजदार जिसका काम ही ये है कि उसके पास वेपन्स बहुत ज्यादा है, तो वो एक तरीके से चीजों को कमांडर की तरह काम करता था और सब चीजों को मेंटेन रखता था डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। ये तो हो गया खत्म। अब दूसरे लोकल लेवल पर, लोकल लेवल पे जो लोग हुआ करते थे उनको बोलते थे सब डिस्ट्रिक्ट। सूबे से नीचे क्या आ गई, सब डिस्ट्रिक्ट आ गई, ठीक है, जिसको बोलते थे परगना। क्या बोलते थे, परगना। अब इसके अंदर भी तीन ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स होते थे। इसमें पहला होता था कानुंगो, ठीक है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रखता था। देन फिर उसके बाद में चौधरी, दूसरा होता था चौधरी, फिर उसके बाद में तीसरा होता था काजी। अब ये तीन होते थे, ये हो गई मेन डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट के नीचे तीन का डिवीजन। इसका काम है ये रिकॉर्ड रखेगा, इसका काम है ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और इसका काम है काजी। काजी तो वैसे आपको पता है क्या होता है, जो लोकल जज की तरह काम करता है, ठीक है। ये है पहले के दो पैराग्राफ्स के अंदर, समझ में आया? यस मैम। अब कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो भी पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो इस चैप्टर के अंदर तो पूछ लो। और अगर नहीं दिक्कत है तो बोल दो कि नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ो। नो प्रॉब्लम मैम। ओके, अब ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। ओके,
ये है आपका रिवाइज्ड 12th का हिस्ट्री का सिलेबस, और जिन चैप्टर्स के ऊपर येलो लाइन दिख रही है आपको, वो डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो हटा दिए गए हैं आपके कोर्स में से पूरी तरीके से। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं हुआ है कि एक यूनिट का कुछ पार्ट हटा करके दूसरे यूनिट में डाल दिया, नहीं, यहाँ पे पूरे पूरे चैप्टर्स ही हटाए गए हैं। ठीक है, तो आपके जो पहले वाले टीचर थे उन्होंने आपको थीम वन, थीम टू और थ्री, थीम थ्री जो है वो कम्प्लीट करा दिया है, और मैंने आपको थीम फोर कम्प्लीट कराया, थीम सिक्स, थीम सेवन और थीम नाइन भी हमारा कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाले जो चैप्टर्स है, क्योंकि हमारा अभी पार्ट थ्री जो है वो पूरा बचा हुआ है, हमारे पास थीम टेन बचा है, थीम इलेवन बचा है, थीम थर्टीन बचा है और थीम फिफ्टीन बचा है, हमारे पास में बहुत ज्यादा कोर्स बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा आपको भी अपना कोऑपरेशन लेना पड़ेगा इस चीज को कम्प्लीट करने में, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और टाइम बहुत कम है, और चार चैप्टर्स पूरे बचे हुए हैं जो हमें निपटाने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, बीच में एक दो बच्चों ने, किसी ने मुझे मेंशन किया था कि उनको कोई महाभारत करके टॉपिक था किसी चैप्टर के अंदर, आई गेस ये अबव तीन चैप्टर्स के अंदर किसी में टॉपिक है तो वो पढ़ना है, तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आई थी, क्योंकि आपके पहले वाले टीचर्स जो थे उन्होंने ये कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन के तो आपका तभी होगा जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इन चैप्टर्स को हम तभी हाथ लगाएंगे जब वो पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी ये चीज, क्योंकि हमारा थर्ड पार्ट जो है वो बच रहा है, फर्स्ट पार्ट हो गई, फर्स्ट बुक हो गई, सेकेंड बुक हो गई, अब थर्ड बुक जो है वो स्टार्ट करनी है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो मैम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज ही आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों के अंदर बता दिया है कि आपका सिलेबस किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अभी हम इस थीम नाइन किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और होपफुली हम फिर जल्द ही आपका थीम टेन जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम टेन के अंदर हाफ लिखा हुआ है, पेज 257 से 274 मेंशन किया हुआ है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। और आप इस चीज को ध्यान में रखना, इन केस अगर मैं भूल जाऊं, मेरे दिमाग से स्किप हो जाए, तो आप आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कि हमें कहां से शुरू करना है। ओके मैम। ओके बच्चों, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। अब है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट। Chronicles of the Mughal Emperor provide us valuable information about the institution of Mughal state. अब ये जो इतिहास लिखा हुआ है मुगल एम्परर का, ये हमें बहुत ही अमूल्य इंफॉर्मेशन बताता है उस समय के मुगल स्टेट के बारे में। These texts clearly depicted the policies of Mughal Empire which they sought to impose on their domain. अब यहाँ पर ये जो facts हमें मालूम पड़ रहे हैं या टेक्स्ट हमें मिला है, ये क्लियरली हमें बताता है कि उस जमाने में जो मुगल एम्पायर रहा था उनकी क्या पॉलिसीज थी और वो किस तरीके से उन पॉलिसीज को लागू करते थे अपने एरिया में। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर ने ढूंढी थी मुगल एम्पायर, ही इज द फाउंडर। हिज ग्रैंडसन, इनके जो पोते थे अकबर, ठीक है, वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, और उनको ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। Then Akbar did not only consolidate his empire but also made it one of the strongest empires of his time. Akbar ने सिर्फ अपनी empire को मजबूत ही नहीं किया था, ठीक है, फैलाया ही नहीं था, बल्कि साथ साथ उसको सबसे important और अच्छी strongest empire बनाया था अपने समय के अनुसार। ठीक है, Mughal chronicles were written by mostly Mughal courtiers who mainly focused on the events related to the rulers, their family, the court and wars and the administration. Mughal chroniclers जो है वो अक्सर लिखे जाते थे मुगल courtiers यानी मुगल court में बैठने वाले लोगों के द्वारा, ठीक है, जो mainly focus करते थे कि वहाँ के ruler के under में क्या क्या events हो रहे हैं, उनकी family के बारे में, उनकी court के बारे में, लड़ाइयों के बारे में, या फिर उनके offices के बारे में लिखते थे। Persian जो है वो main language थी, ठीक है, उस समय की Persian was used as the main language. Paintings were done on the chronicles
टू मेक दैम अट्रैक्टिव. क्रॉनिकल्स के अंदर ही पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी जिससे क्रॉनिकल्स जो है वो किताब जो है वो और अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे. टू मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल हिस्ट्रीज पर अकबरनामा एंड बादशाहनामा. इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिस के बारे में, ऑफिशियल हिस्ट्रीज के बारे में जो मेन किताबें हैं वो है अकबरनामा और बादशाहनामा. अब अकॉर्डिंग टू अबुल फजल द मुगल एम्परर हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द जन मन जन माय नेम्स एंड देन ऑफ हिज सब्जेक्ट. अब ये जन माल था ठीक है. अब अबुल फजल के अनुसार मुगल एम्परर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जन माल और नाम और उसके साथ में जो उसके देन ऑफ हिज सब्जेक्ट यानी जो फेट है अपने प्रजा का वो भी संभाल के रखे. Shahjahan's daughter Jahanara took part in many architectural planning of new capital of the empire Shahjahanabad. Shahjahan ki jo beti thi Jahanara unhone kai baar hissa liya hai architectural planning yani ki jo nayi capital banayi ja rahi thi Shahjahanabad wahan pe kis tarah ki building banni chahiye kis tarah ka wahan ka architecture hona chahiye unhone isme participate kiya hai Jahanara ne. Imperial kitab khana were the main centers for the creation of manuscripts. Imperial kitab khana yani library jo thi wo रॉयल लाइब्रेरी वहाँ वो मेन सेंटर होती थी. किसी भी चीज मैन्यूस्क्रिप्ट आपको मिल जाती थी यानी क्रिएट की जाती थी वहाँ पर. पेंटर्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे मुगल मैन्यूस्क्रिप्ट को क्रिएट करने में. किसी को कोई दिक्कत अभी तक किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? नो मैम. ओके. पेपर मेकर्स रिक्वायर टू प्रिपेयर फोलियो ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. कैलीग्राफर कॉपी द टेक्स्ट. ग्लाइडर्स eliminated the pages. Painter illustrated the scene from text. Book binders collected the individual folios and set them within ornamental covers. अब पेपर बनाने वाले थे जो थे इनको मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती थी. कैलीग्राफर टेक्स्ट कॉपी करते थे. ग्लाइडर्स उसको पेजेस को इलिमिनेट करते थे, रखते थे सहेज के. फिर पेंटर्स जो है उसके सीन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अनुसार एक पेंटिंग बना करके तैयार करते थे. बुक बाइंडर्स सारी चीजें कलेक्ट करते थे और उनको और सजाते थे अलग अलग ऑर्नामेंटल कवर्स से सजाते थे और सेट करते थे. अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स हैं. हर वॉल्यूम के अंदर इंफॉर्मेशन है 3 लूनर ईयर्स की ठीक है सॉरी 10 लूनर ईयर्स की. पहले जो 2 वॉल्यूम्स हैं वो लिखे गए हैं लाहौरी के द्वारा और बाद में जो है उसको रिवाइज किया है वजीर सदुल्ला खान ने. 3rd वॉल्यूम जो है वजीर ने लिखा है क्योंकि उस समय तक लाहौरी जो है वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और वो लिख नहीं सकते थे. गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा. ये एक आपको ग्लिम्स देता है कि किस तरीके से मुगल डोमेस्टिक वर्ल्ड में क्या चल रहा था उसके बारे में. झरोका दर्शन जो है वो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. इसमें एम्परर जो है अपने दिन की शुरुआत जब सूरज उगता था तो वहां पे अपनी प्रेयर वगैरह करके उसके बाद में वो खड़े होते थे और स्मॉल बालकनी में जहाँ जिसको बोला जाता था झरोका ईस्ट डायरेक्शन में होता था. उनके नीचे ही भीड़ इकट्ठी होती थी उसमें वेमेन चिल्ड्रन और कई सारे लोग इकट्ठे होते थे उनके दर्शन पाने के लिए ठीक है. सर है कोर्ट हिस्ट्रीज ऑफ द मुगल्स वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज इन 10th एंड 17th सेंचुरी केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड दे आर नाउ द इंडियन लैंग्वेजेस. कोर्ट की हिस्ट्रीज जो है मुगल्स के द्वारा जो लिखी जाती थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी. पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी 10th और 17th सेंचुरी तक और उसके बाद में वो अलग अलग हिस्सों तक गई, सब कॉन्टिनेंट्स में गई और इंडिया की लैंग्वेज में है अभी भी है. सारे मुगल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे उनको रैंक दिया जाता था. 2 डेजिग्नेशन थे उस समय जट और सवर. 17th सेंचुरी के अंदर मनसाबदार जो है उसको 1000 जट दिए जाते थे या उससे अबव रैंक वाले को नोबल बोला जाता था. मोनार्क जो है मुगल एम्पायर के वो अपने आप को लेजिटिमेट रूलर मानते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और वो अपॉइंट करते थे कई सारे हिस्टोरियंस को कि उनके बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा जाए. मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जो चीज है उसको नाम दिया टेक्स्ट एस क्रॉनिकल्स. टेक्स्ट को बोला उन्होंने क्रॉनिकल्स के तौर पर और प्रेजेंट किया एक कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स यानी कि एक के बाद एक रिकॉर्ड्स जो मिले इनको उसके साथ में उन्होंने इनको कंजर अप करके इकट्ठा किया. फिर है द मुगल्स एंड देयर एम्पायर. मुगल नाम जो है निकाला गया है मंगोल से. मंगोल्स जो है वो रहने वाले थे टर्किश के. टर्किश रूलर था तिमुर वहां के. ये पटनल साइड यानी पिताजी की साइड का एरिया था.
जहीरुद्दीन बाबर जो है वो रिलेटेड था जेंगिस खान से, वो अपनी मदर साइड से रिलेटेड था। बाबर जो है वाज ड्रिवन फ्रॉम फरगना बाय वॉरिंग उज़्बेक्स, ये फरगना से आया था, उज़्बेक से लड़ाई करके, ठीक है, पहले से एस्टेब्लिश किया पे आपको काबुल के अंदर, फिर उसके बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मूव कर गया था। बाबर के बाद में आए नसरुद्दीन हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56, इन्होंने कई जगह तक अपना एम्पायर फैलाया, पर ये अफगान के शेर शाह सूर से हार गए थे। 1555 में हुमायूं हार गए सूर से, और फिर एक साल बाद मतलब उन्होंने हरा दिया सॉरी फिर सूर को, और फिर वो उसके बाद में ही इनकी डेथ हो गई थी। जलालुद्दीन अकबर 1555 56 से 1605, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट एम्परर थे मुगल एम्परर के अभी तक, सबने शुरुआत में ही पढ़ा था। इन्होंने बहुत फैलाया अपने एम्पायर को और कई सारे तरह के लोग इनके इसमें आए। ये लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट एम्पायर माना जाता है उस समय का। अकबर की तीन फ्रेंडली सक्सेसर रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन औरंगजेब की डेथ के बाद में मुगल पावर डायनेस्टी जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती गई, यानी कि खत्म सी होती गई। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, इट इज क्लियर। ओके, डिफरेंट क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल्स, अलग अलग इतिहास रहे हैं, मतलब अलग अलग स्टोरीज आपको जानने को मिलेंगी। क्रॉनिकल्स कमीशन बाय द मुगल एम्परर्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट। अब जो क्रॉनिकल्स ने यहाँ पे मुगल एम्परर्स के बारे में लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है इनके एम्पायर और इनकी कोर्ट के बारे में। ऑथर्स जो है मुगल क्रॉनिकल्स के वो अलग अलग कोर्टियर्स रहे, फेमस रहा है अकबर नामा, शाहजहां नामा और आलमगीर नामा। टर्किश मदर टंग रही है मुगल्स की, ठीक है, मुगल्स जो है टर्किश बोले हैं वो उनकी मदर टंग रही है। और लेकिन अकबर जो है उन्होंने पर्शियन को लीड लैंग्वेज के तौर पर मुगल कोर्ट में चलाया था, ठीक है। पर्शियन जो है इनकी इंडियनाइज हो गई थी बाद में, लोकल एडियम्स उसके अंदर यानी मुहावरे उसके अंदर इंडियन मुहावरे जोड़ दिए गए थे। उर्दू जो है उसका भी इंटरेक्शन पर्शियन से थोड़ा हुआ और फिर हिंदी भी बनी। सारी किताबें जो थी मुगल की वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है और उनको किताब खाना में रखा जाता था, जिसको बोलते हैं स्क्रिप्टोरियम, ठीक है। क्रिएशन जो है मैन्युस्क्रिप्ट की वो पेपर मेकर्स, स्क्रिप्ट, कैलीग्राफर्स, ग्लाइडर्स, पेंटर्स और बुक बाइंडर्स और इनकी मदद से होती थी। अकबर की फेवरेट कैलीग्राफी स्टाइल थी नस्तलिक, एक फ्लूइड स्टाइल में होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर जो थे वो फाइनेस्ट कैलीग्राफर्स थे अकबर के कोर्ट के अंदर, जिनको टाइटल दिया गया था जरीन कलम, गोल्डन पेन। आज इतना ही पढ़ेंगे ये, कल बाकी जो ये पॉइंट्स है ये हम नेक्स्ट क्लास में होपफुली ऑन मंडे को कवर अप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है।